राम राम किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल दीपक चपड़ा व्लॉग्स पे। और किसान भाइयों, आज मैं आया हूँ अपने रोहित भाई के पास में। तो रोहित भाई जो है रोटावेटर लाया है KHD का, और भाई इसमें इतना सिस्टम करवा दिया रोहित भाई ने, बहुत ही बेहतरीन। तो अभी मिलवाते हैं आपको रोहित भाई से। रोहित भाई, क्या हाल चाल? नमस्कार सभी दर्शक भाइयों को। तो रोहित भाई, आज हमारे दर्शकों को आप अपने रोटावेटर के बारे में बताओ, आपने क्या क्या इसमें करवा रखा है, क्या क्या नहीं करा, सॉरी मतलब डिटेल फुल बता दो आज। बिल्कुल बताएंगे जी, तो जी सारी सबको डिटेल बताएंगे। सबसे पहले सभी किसान भाइयों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, और उसके बाद हम चलते हैं रोटावेटर के पास में। तो आइएगा जी, आइए चलते हैं रोटावेटर पर। देखिए दीपक भैया, सबसे पहले जो हमने इसमें बदलाव करा जी, टॉप तो इसका पहले से ही बढ़ा रहा है जी जी, लेकिन इस टॉप में क्या आता था जी, जब किसान लंबे समय तक किराया करता था तो ये जो इसमें यहाँ के जो ये छेद होते हैं, हाँ हाँ, जिसमें मुल्ला लगता है, ये छी जाते थे। मैंने एक प्लेट लगवा दी है, अब इससे क्या होगा, ये भूस लग गया इसमें, अब ये छेगा नहीं, छेद है, छेद ऐसे कैसे रहेगा ये बात। दूसरा बदलाव करा है हमने, सबसे बड़ा बदलाव जो हुआ है इसमें, ये पहले ग्रीष्म आता था ये वाला बैरिंग, अच्छा ये बड़ा बैरिंग है, और ये अब CL में कर दिया, बहुत बढ़िया। ये दूसरी चीज जो ये साइड की आप सपोर्ट देख रहे हैं, ये सपोर्ट पहले गोल आती थी, लेकिन अब ये सपोर्ट थोड़ा सा टेपर में कर दिया, तो इसका टेपर में होने का फायदा ये हुआ है, एक तो ये गहराई ज्यादा लेके चलेगा, दूसरा रूटर जम के चलेगा, ये बात, ये उछलेगा नहीं। तीसरा बदलाव मैडा देख सकते हैं आप, इसका जो मैडा है, मैडे की फिनिशिंग बहुत गजब की है। हाँ ये तो है भाई, है नहीं, फिनिशिंग बहुत गजब की दी है इसके मेड़े की। और इसमें हमने चार चार सोकर लगवाए हैं, जो इसमें अच्छा स्टील लगी हुई है, हाँ, ये चार चार लगी हुई है। और चीज़ आपने चीज़ देखा होगा 7 फुटे किसी भी रोटावेटर में चले जाइए आप, ये जो क्लिंप आप देख रहे हैं ये वाले, ये क्लिंप आपको किसी में भी 4 क्लिंप नहीं मिलेंगे 7 फुटे रोटर में, केवल 2 क्लिंप मिलेंगे, एक इधर एक इधर। इसमें हमने 4 क्लिंप लगवाए हैं, और वो भी KSD की बेजिंग के साथ में, KSD की बैजिंग भी ये है। देखो जी, बैजिंग है KSD वाली, ये देखिएगा आप लोग। दूसरी चीज इसमें जो और बदलाव हुए हैं, अब ये देखिए इसका जो गियर बॉक्स है, जो रोटावेटर का दिल कहा जाता है, ये रोटावेटर का दिल है, इसमें गेज भी दे रखा है CL नापने के लिए, और ये सांस लेने के लिए हो गया इसका। इसमें क्या है, ये 13-23 का बड़ा गियर बॉक्स है, इससे बड़ा कोई गियर बॉक्स ही नहीं आता, क्या बात, इससे बड़ा कोई गियर बॉक्स नहीं है। और इस पे भी KSD की बैजिंग मिलेगी आपको, ऊपर भी और नीचे साइड में भी आ रही है। अच्छा कितना ऑयल कितना आ जाए इसका CL वाला? वो इसमें आता है जी 3.5 लीटर, और इसमें आता है 4 लीटर साइड वाले गियर बॉक्स में। अच्छा ये वाला, इसमें 20, 35, 28 की साइड में गरारी चलती है, इसमें भी 4 लीटर CL आता है। अच्छा रोहित भाई, मैं तुम्हें रोटावेटर मैंने देख लिया, लेकिन एक चीज मैंने इसमें बहुत अलग देखी जी। तो भाई इसमें जो मैंने देखा, ये तुम्हारे ये लग रहे थे जी, ये मैंने बहुत में देखे, तो वो एक ही रहता है, लेकिन आपके इसमें ये 2 रहे हैं। देखिए तैयार सभी कंपनियां क्या काम करती हैं, एक सीधी साइड में लगा के देती हैं इस साइड में जी। हमने इस साइड में तैयार क्यों लगवाया है, इसमें क्या होता है, इस साइड में गियर बॉक्स होता है, ठीक, तो गियर बॉक्स की चौड़ाई थोड़ी ज्यादा होती है, उधर होती है प्लेट केवल, ठीक ठीक, तो चौड़ाई ज्यादा होने की वजह से रोटावेटर जो है पूरी तरह से प्रॉपर दूसरी साइड से कम लगता है, जब हम पहली जुताई करते हैं, दूसरी जुताई में पूरा लग जाता है, लेकिन इसमें क्या होगा, तैयार लगने से ये तैयार मट्टी काट के चलेगा, तो जो साइड वाली सपोर्ट है दोनों सपोर्ट बराबर जमीन पे बैठ के चलेंगी, ये रोटर ऑटोमेटिक ही गहराई ज्यादा लेके चलेगा। दूसरी चीज इसमें जो अब के हमने सील करवाई है जी, वे मैकेनिकल सील है इसमें, ठीक 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 ठीक, मैकेनिकल सील 5 साल तक तो आप भूल ही जाओ, जब रात दिन इसको पानी में चलाओगे कि सील इसी कटनी भी है। तीसरी चीज इस पे जो पैंट है, ये पैंट दिखाइए आप, ये पैंट की जो क्वालिटी है, पाउडर कोटेड पैंट है, और इस पैंट को देखिए ना, तो इसकी पपड़ी बनेगी, जैसे पपड़ी बन के पैंट उतर जाता है, ना ये छूटेगा, पैंट अगर खत्म होगा खराब होगा तो घिस के ही होगा, वैसा पैंट खराब ही नहीं होने का इसका। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। अच्छा एक मतलब बहुत कोई रोटावेटर में देखा कि पीछे जो है क्या डोली सी बनती चली जाए एक साइडों में ऐसे ही जी, हाँ, जैसा आप लेके चलोगे जी। तो मुझे लग रहा है इसमें तो शायद ऐसा कोई सिस्टम, मुझे लग रहा है डोली बनेगी। डोली फिलहाल तो क्या है, इसमें यहाँ पे एक प्लेट आती है, हुँ। वो प्लेट हमने अभी इसकी लगाई नहीं है, ठीक ठीक, जब जो भी कोई किसान भाई इसको लेने के लिए आएगा तो हम इसमें वो प्लेट लगा के देंगे, बहुत डोली नहीं बनाएगा। बाकी सभी रूटर में आपने देखा होगा शक्तिमान का हो, ये अगर अब इसमें हम प्लेट नहीं लगाएंगे ना तो ये भी डोली बनाएगा, ये भी डोली बनाएगा, लेकिन हम इसमें प्लेट लगा के देंगे, इसकी प्लेट है। बहुत बढ़िया जी। रोहित भाई इसमें सब्सिडी वगैरह कुछ मिल सकती है, नहीं मिलेगी इस वाले में? ये लेजर कटिंग के साथ में आता है रोटावेटर। अच्छा ये लेजर कटिंग है, आप दिखा सकते हैं इधर 2023 लिखा हुआ है, 2026-96 इसका नंबर है, ये लेजर कटिंग के साथ में आता है, जिस रोटर पे लेजर कटिंग होगी उसी रोटर पर सब्सिडी मिलेगी।
अब सब्सिडी के लिए नियम कर दिया गया है, लेजर कटिंग के साथ ही रोटावेटर होगा तो ही सब्सिडी मिलेगी, वैसे नहीं मिलेगी। नहीं, अच्छा फ्लेंच, इसका जो फ्लेंच है वो 7 इंची फ्लेंच है, जो ब्लेड से और फ्लेंच की दूरी है घेरे की वो 7 इंच की है, यानी कि इतनी दूरी। बहुत बहुत जब ये एक बार में जुताई लेके चलेगा तो इतने लेके चलेगा, और जब आप इसे खेत को दूसरी बार बहाएंगे तो आपके ट्रैक्टर में दम खींचने के लिए होना चाहिए, रोटर जितना जाओगे उतना नीचे चला जाएगा, टीलर भी नहीं जा पाएगा, लेकिन ट्रैक्टर में दम चाहिए खींचने के लिए। ये तो सब कहने की बात होती है कि हमारा जो रोटावेटर है वो ट्रैक्टर पे लोड ही नहीं देता। अरे भैया लोड देगा कहां को, जब वो नीचे भी ना जाओगे, जब नीचे जाओगा जमीन को पाड़ेगा खोदेगा तो लोड तो पूरा देगा, लोड पूरा देगा, लेकिन अगर जमीन खोदेगा तो लोड पूरा देगा। हाँ इतना है, इसकी जो छत है इस छत पे ये क्या है, टेपर है सीधा, हल्का सा टेपर है बहुत। सभी कंपनियां क्या काम करती हैं, एकदम छत को नीचे तो उससे क्या हो, ट्रैक्टर की मिट्टी जो है वहीं की वहीं पड़ती रहे और जगह निकलने की मिल नहीं पाती मिट्टी को। बिल्कुल, वो रूटर ज्यादा लोड देते हैं, ये उनसे कम लोड देगा, इसमें जगह उनसे ज्यादा लेगा, लोड उनसे कम लेगा। अच्छा जो जो इसका टॉप है, इसको भी मुझे लग रहा है इसमें बतेरे वो कसे हुए हैं एकदम। हाँ, नट बोल्ट टॉप जो है, इस टॉप को हमने 10 वोल्टों पे कसा है, 5 इस साइड में और 5 इस साइड में, और 2 वोल्ट ऊपर लिए हैं बहुत हैवी तरीके से। इस टॉप की मजबूती बहुत है, ये चीज मजबूत होनी। तो रोहित भाई, रोटावेटर के बारे में तो हमारी बात हो चुकी है, लेकिन अगर हमारे दर्शक कोई आए खरीदने तो तुमसे कैसे संपर्क होगा उसका? ये रोटावेटर खराब है, गांव पांचली खुर्द बागपत रोड मेरठ में। मेरा नाम है रोहित चपराना, और जिस किसी भाई को इस रोटर को लेने की आवश्यकता है वो हमसे रोटर खरीद सकता है, बिल उन्हीं के नाम कटेगा, नया रोटावेटर सेल कर रहे हैं हम। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर होगा 84 45 06 44 40। इस नंबर पे किसी भी टाइम फोन करके सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। पूरी जानकारी अगर कोई लेना चाहता है रोटर के बारे में तो उसको पूरी जानकारी भी दी जाएगी। और अगर कोई किसान हमारा ये कहना चाहता है कि भाई हम तो पहले चला के देखेंगे, ट्रैक्टर हमारे पास में खड़ा हुआ है, आए अपने मन की संतुष्टि करे, खूब तरीके से चलावे, जब समझ में आ जावे जब लेके जावे। तो जी ट्रैक्टर हमारे पास में है, ये अपना जॉन डियर, कोई दिक्कत नहीं है, तो तुम्हें चला के दिखाएंगे बिल्कुल लोड पे फुल एकदम, किस तरीके से चलता है सारी चीज एकदम आपके सामने होगी जी। तो बिल्कुल निश्चित रहे उस चीज से। तो प्राइस वगैरह कितने होने वाले हैं वैसे रोहित भाई, अगर आप बताना चाहो? इसका जो प्राइस होगा, अगर कोई इसको सिंगल डिस्क के साथ में लेगा जी, सिंगल तय पे लेगा तो 97,000 रुपए इसके प्राइस होगा, और अगर कोई दोनों साइड का तय लेना चाहेगा तो उस तय का जो एक्स्ट्रा चार्ज होगा वो देना होगा जी। तो ठीक है दर्शक भाई, और रोहित भाई के फोन पे तुम कॉन्टेक्ट कर सकते हो, नंबर इन्होंने बताई दिया है, बाकी मैं आप डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इनका नंबर आपको। तो ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसी अगली वीडियो में।